गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। सर आज मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है। चलो अच्छी बात। सर सपोज एक स्टूडेंट को बैंक से लोन लेना है और बैंक वालों ने उससे आईडी फाइल में इनकम पूछा। ओके। सिंस वी ऑल नो स्टूडेंट हैज नो इनकम सो ही शोड एग्रो इनकम एज एग्रो इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इन इंडिया इन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दैट? ऐसा स्टूडेंट कई बार बचपने में कर देते हैं किसी के मिसगाइडेंस में आके, तो आपके केस में भी ऐसा ही हुआ है कि ये स्टूडेंट को आईटी फाइल में इनकम दिखानी थी और आईटी फाइल में इनकम दिखाने के लिए टैक्स देना पड़ता, तो बंदे ने होशियारी करते हुए एग्रो इनकम दिखा दिया, एज एग्रो इनकम इज एग्जेम्प्टेड। ऐसा ही सिमिलर केस हुआ था, एक केस स्टडी, क्या नाम था उसका, विजय राहुल करके कुछ था, तुल्लरी विजय राहुल, हैदराबाद ट्रिब्यूनल का केस था ये। तो तल्लुरी विजय राहुल केस में बंदे ने यही किया कि आईटी फाइल में एग्रो इनकम दिखा दिया ताकि फाइल में इनकम आ जाए, फाइल में इनकम आ जाएगी तो लोन मिल जाएगा, इस चक्कर में उसने एग्रो इनकम दिखा दिया। बात रफा दफा हो गई, लोन मिल गया, पढ़ाई हो गई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जगा और हमारे इनकम टैक्स के कमिश्नर साहब ने उस भाई साहब को नोटिस भेज दी कि आपकी एग्रो इनकम है तो शो मी वेयर डू यू डू द एग्रीकल्चर। भैया देखो, हमारे देश में एग्रीकल्चर का ये है कि बीजेपी बोलती है कि पी चिदम्बरम साहब गमले में गोभी उगाते हैं, क्योंकि एग्रो इनकम एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पे गमलों में गोभी जो है ना जुमला है, मीन्स एवरीवन से कुछ नहीं तो एग्रो इनकम दिखा दो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्रो इनकम देखते ही सेंसिटिव हो जाता है। इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंसिटिव हो जाती है, बता एग्रो इनकम है तो खेती बाड़ी कहाँ करता है, चल पीछे चल दिया। अब बंदे का कोई खेती बाड़ी था नहीं, फंस गया, तो उसने बोला सर सही बताऊँ, मेरा ये सब केस था तो मैंने सिर्फ बैंक लोन लेने के लिए ये कर्म कर दिए। तो डिपार्टमेंट में मामला नहीं हुआ, उन्होंने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया कि जितनी तुम एग्रो इनकम दिखाया है उतनी हम तुम्हारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मानेंगे और उतना टैक्स दो। अब बंदा बोला कि सर एक्चुअल में तो मेरी कोई इनकम है ही नहीं ना, मैंने झूठ बोला है तो बैंकर को बोला है, मैंने आपको कहाँ झूठ बोला है, ऐसा थोड़ी कि मैंने कोई इनकम हाइड की है, मैंने बैंकर को झूठ बोला है, लेट द बैंकर टेक एक्शन अगेंस्ट मी, आप क्यों पीछे पड़ गया मेरे, मेरी एग्रो इनकम होती तो एग्जेम्प्ट, मेरी कोई इनकम नहीं है तो भी नो टैक्स, तो फिर आप टैक्स कैसे मान रहे हो। इस प्ली पे यंग ब्लड ने सीआईटी के पास अपील कर दी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील ने भी एसएससी के अगेंस्ट में डिसीजन दिया कि जब आईटी फाइल में इनकम दिखाया है तो वो इनकम है और तुम एग्रीकल्चर तो करता नहीं है तो वो इनकम इनकम नॉर्मल इनकम है, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। मामला बहुत तूल पतला, बंदा भी जिद पे आ गया, ट्रिब्यूनल पे चला गया, हैदराबाद ट्रिब्यूनल, और हैदराबाद ट्रिब्यूनल ने भी इसी बात को कंसिस्ट किया कि आपने इनकम दिखाई अपने रिटर्न में, मतलब ये इनकम है। अब हमने आपसे पूछा कि एग्रीकल्चर कहाँ करते हो, आप नहीं करते हो तो फिर वो एग्रो इनकम नहीं है, लेकिन इनकम है, और बंदे को ऊपर टैक्स लग गया। तो सर इन कंक्लूजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकदम 100% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में कोई झूठ मत बोलो।